फैक्ट नंबर वन, गाइस इंडियन वुमेन क्रिकेट की रीड कही जाने वाली मिताली राज ने फाइनली क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। यहाँ गाइस लगभग 23 सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही मिताली राज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। लेकिन रिटायरमेंट से पहले मिताली राज ने चार ऐसे बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं जिन्हें तोड़ पाना बेहद मुश्किल है। पहला, मिताली को इंडियन क्रिकेट की वुमेन तेंदुलकर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वनडे और टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। दूसरा, साल 2017 में वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान मिताली ने लगातार 7 अर्धशतक लगाए थे और ऐसा करने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। तीसरा, मिताली के वनडे में सबसे ज्यादा रन है, उन्होंने 232 मैचों में 50 से ज्यादा औसत से 7,805 रन बनाए हैं। और चौथा, मिताली 6 वनडे वर्ल्ड कप खेलने वाली इकलौती महिला खिलाड़ी है। ये रिकॉर्ड पुरुषों में सिर्फ सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। फैक्ट नंबर टू, माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया समाई है। वो माँ ही है जो हर कठिनाइयों से लड़ती है पर कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। लेकिन कई बार माँ बनने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने लिए कोई भी सपना बुन नहीं पाती क्योंकि उस पर अपने बच्चों के साथ साथ अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लेकिन इस मिथक को एक माँ ने दूर कर दिया है। जी हाँ गाइस, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भावुक कर देने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए ना सिर्फ बच्चों को किताबी शिक्षा दे रही है बल्कि एक अनमोल ज्ञान भी दे रही है कि अगर ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मंजिलों को पा सकते हैं।